दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने जियो फोन के अंदर YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने जियो फोन में YouTube पर वीडियो अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को जियो फोन से YouTube पर वीडियो अपलोड करने में परेशानी होती है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अपने जियो फोन में YouTube पर वीडियो कैसे डालें, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आपको इसके लिए अपने जियो फोन के गूगल ब्राउजर को ओपन करना होगा। दोस्तों गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा YouTube अपलोड। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सर्च करना होगा। दोस्तों सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक फर्स्ट वेबसाइट मिल जाती है YouTube अपलोड के नाम से, तो आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टूडियो के वेब वर्जन पर जाए, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको कुछ मिनट यहाँ पर इंतजार करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों अब आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाता है फाइल चुने का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वीडियो का, तो आपको सिंपली वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जिसे कि आप लोग यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस वाले वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसे प्ले करना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे ही वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पर दोस्तों कुछ मिनट इंतजार करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा छोटा करना होगा। दोस्तों छोटा करने के बाद आप लोग यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, अभी लिखा हुआ आ रहा था वीडियो अपलोड हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो हमारा वीडियो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका वीडियो है अपलोड होने के बाद आपको दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग वीडियो में कुछ सेटिंग कर ले, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपने वीडियो में टाइटल डालना होगा, डिस्क्रिप्शन भी डालना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर एक बॉक्स मिल जाता है, छोटा सा बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स में दोस्तों आपके वीडियो के बारे में लिखा हुआ मिलता है पहले से ही, लेकिन आपको इसे हटाना होगा और यहाँ पर आपको अपना टाइटल डालना होगा। जैसे कि इस बॉक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों हटाने के बाद आपको अपने वीडियो का टाइटल डालना होगा। जैसे कि मैं अपने वीडियो को यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने वीडियो को टाइटल डाल दिया है, मेरा वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है उसका मैंने यहाँ पर दोस्तों टाइटल डाला है। इसे आप लोग सबसे ऊपर टाइटल डाल देते हैं, उसके बाद आप लोग दोस्तों नीचे अपने वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आपका वीडियो किस चीज़ के बारे में है इसके बारे में आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों तुम्हारा वीडियो है वो सक्सेसफुली यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। दोस्तों अब आपको इस वीडियो को यूट्यूब पर पब्लिक करना होगा। दोस्तों वीडियो को पब्लिक करने के लिए आपको यहाँ से पूरा बैक आना होगा। दोस्तों बैक आने के बाद आपको अपने जियो फोन के फिर से गूगल ब्राउजर को ओपन करना होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना होगा YouTube डेस्कटॉप। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सर्च करना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे ही YouTube डेस्कटॉप सर्च कर लेते हैं, आपको यहाँ पर नीचे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाती है studio.vero.com, तो आपको सिंपली इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मिनट वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपके YouTube चैनल का YouTube डेस्कटॉप मोड ओपन हो जाता है। दोस्तों उसके बाद जैसे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलता है, आपको दोस्तों यहाँ पर साइड पर आना होगा, लेफ्ट साइड में। दोस्तों आपको यहाँ पर साइड में एक वीडियो का आइकन मिलता है, तो आपको सिंपली इस वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपके YouTube चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया था वो मुझे देखने को मिल चुका है। उसके बाद आपको दोस्तों इस वीडियो को YouTube पर पब्लिक करना होगा। दोस्तों ये वीडियो आपके चैनल पर तो अपलोड हो चुका है, लेकिन इसे आपको YouTube पब्लिक करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो के साइड में एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना होगा। दोस्तों बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों बॉक्स पर राइट का निशान आ जाता है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर साइड पर आना होगा। दोस्तों साइड में आने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है बदलाव करेगा,
तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों बदलाव करें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर कई सारे ऑप्शन आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों ऊपर आना होगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे ही ऊपर आते हैं आपको यहाँ पर एक चौथा ऑप्शन मिल जाता है, किसको दिखाई दे। दोस्तों अगर आपके फोन में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट होगी तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अगर आपके हिंदी में होगी तो आपको ऑप्शन मिल जाता है किसको दिखाई दे। तो आपको सिंपली चौथे वाले ऑप्शन किसको दिखाई दे पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस इंटरफेस मिलेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है किसको दिखाई देगा, उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिक का, मतलब दोस्तों सार्वजनिक का। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों सार्वजनिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दोस्तों तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है दोस्तों सार्वजनिक का, दूसरा है निजी, और यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है सबके लिए मौजूद नहीं। तो आपको दोस्तों सार्वजनिक जो ऑप्शन है उसे ही आपको सिर्फ सिलेक्ट रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ऊपर आना होगा। दोस्तों ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है वीडियो अपडेट करें, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करना होगा। दोस्तों वीडियो अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद दोस्तों आपको साइड पर आना होगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है छोटा सा, आपको इस बॉक्स पर एक बार क्लिक करना होगा। दोस्तों बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉक्स पर दोस्तों राइट का निशान आ जाता है। उसके बाद आपको इस स्पेस को एक वाले बटन की मदद से छोटा करना होगा। दोस्तों छोटा करने के बाद आपको सिंपली राइट साइड पर आना होगा। दोस्तों राइट साइड पर आने के बाद आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे कोने में एक ऑप्शन मिल जाता है वीडियो अपडेट करें, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों ऊपर लोडिंग होता हुआ दिखाई देगा, तो आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। दोस्तों लोडिंग पूरा होने के बाद जो आपका वीडियो है वो यूट्यूब पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है और सिंपली पब्लिक भी हो जाता है। अब दोस्तों आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब पर आ जाता है। दोस्तों आप लोग चाहे चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आप लोग इसे अपने जियो फोन में यूट्यूब पर आसान तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।